टैकल आप तो आपके कॉपी पे भी आप कट कर सकते हो, लेकिन जो बॉल है दैट इज कॉल्ड स्पेयर, दिस इज स्पेयर स्पेयर। हाँ, और ये थ्री डायमेंशनल है, सर्कल तो वन टू डायमेंशनल है, ये थ्री डायमेंशनल। अनदर इसको काट दिया जाए तो इसको कहते हाफ स्पेयर को कहते हेमी स्पेयर। व्हाट इज इट कॉल्ड? हेमी स्पेयर, हेमी स्पेयर, हेमी स्पेयर, आधा स्पेयर, ठीक है ना। और स्पेयर और हेमी स्पेयर हो गए। अभी ये जो ये देखिए शेप दिखा रहा हूं मैं, दिस शेप इज क्यूबाइड। क्यूबाइड मतलब इसमें एक दो तीन चार पांच छह, छह फेसेस है, छह फेसेस और छह फेसेस अलग अलग, छह फेसेस जो है अलग अलग। ये देखिए क्यूबाइड हो गया। क्यूबाइड में कैसे क्यूबाइड ड्रॉ कैसे करेंगे देख लीजिए। ये मैंने एक सरफेस ड्रॉ किया, एक हो गया, और ये इधर में मैं पीछे दूसरा सरफेस ड्रॉ करूंगा, तो ये दो ड्रॉ करूंगा, ये दो हो गया, और इसको ज्वाइन करूंगा, ये फ्रंट का हो गया, ये बैक का हो गया, ठीक है ना। और दो साइड के हो गए, दो साइड के हो गए, और एक ऊपर का और नीचे का हो गया, है ना। इसका ये ऊपर का सरफेस, ये ऊपर का सरफेस हो गया, ये नीचे का सरफेस हो गया, ये फ्रंट और ये बैक हो गया। ऊपर का सरफेस, नीचे, ये ऊपर का सरफेस है, नीचे का सरफेस, ये फ्रंट हो गया, बैक हो गया, और ये लेटरल सरफेस। ऐसे छह सरफेस रहेंगे क्यूबॉइड में। वैसे क्यूब में भी छह सरफेसेस रहेंगे, क्यूब और क्यूबॉइड। दिस इज व्हाट से क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ये जो है ये इसको कहते हैं लेटरल सरफेस, ये बेस। हाँ, ये फ्रंट का फेस और लेटरल, ये फ्रंट का फेस हो गया, ये बैक का फेस हो गया, ये लेटरल दो फेसेस हो गए, ठीक है ना। और ये ऊपर का और ये नीचे का, ऐसे छह फेसेस रहेंगे। किसमें देखिए मैं नंबर कर देता हूँ, ये इतना जो है ना इसको मैं वन कर देता हूँ। दिस इज व्हाट से टू, ये जो है ना ये थ्री हो गया, दिस इज फोर्थ हो गया, एंड फ्रंट एंड बैक सिक्स। तो इसको कहते हैं क्यूबाइड। व्हाट इज इट कॉल्ड? क्यूबाइड। आप यू नो व्हाट आर ब्रिक्स, ब्रिक्स होती है ना, ब्रिक्स क्यूबाइड होती है, ब्रिक्स। और क्यूब तो आप तो खेलते ही हो, क्यूब के साथ तो आप खेलते ही हो, क्यूब का गेम होता है ना। हाँ, कंपास बॉक्स क्यूबाइड में होता है, कंपास बॉक्स क्यूबाइड में होता है। क्यूब में, इन क्यूब ऑल द सर्फेसेस आर स्क्वेयर, इन क्यूबाइड सम सर्फेसेस आर रेक्टेंगल। एक हाथ हो सकता है, एक हाथ फ्रंट और बैक का दो वन पेयर हो सकता है, स्क्वेयर हो। लेकिन ये जो क्यूब में क्या होते हैं कि सभी के सभी सर्फेसेस कैसे होते हैं, स्क्वेयर होते हैं। स्क्वेयर मीन्स ऐसा सभी के सभी साइड इक्वल है ना, ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसमें रेक्टेंगुलर होते हैं, इसमें इन क्यूबाइड। दिस इज नाउ दिस सिलेंडर, हाउ दिस सिलेंडर इज फॉर्म। सिलेंडर कैसा बना होता है, जैसे ये आप देख लीजिए, ये शीट है, तो इस शीट को ऐसे घुमा दिया जाए तो दिस शेप इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड अ सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, ये ऊपर का और नीचे का ये सर्कुलर होता है, और ये लेटरल जो होता है ऐसा होता है। दिस इज व्हाट से, दिस इज ये, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, एक हाथ मिटा के या तो इसके बीच में बना देता हूँ। दिस इज सिलेंडर, ये सिलेंडर है। दिस सिलेंडर इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सिलेंडर है। दिस सिलेंडर इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए कहा जाता है कि ये सर्कुलर, इसका बेस है। तो दिस इज व्हाट से सिलेंडर, व्हाट इज इट अ सिलेंडर। सो दीज आर द सॉलिड शेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेयर, हेमी स्पेयर, दिस सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्यूबाइड एंड दिस अ क्यूब। यदि आपको किसी भी तरह से कोई डाउट रहेगा तो आप देख लीजिए। हम अभी और शेप दूसरे देखने वाले हैं। अब बोलिए, ये स्पेयर है, ये हेमी स्पेयर है, सिलेंडर है, ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड, और ये क्यूब है, ठीक है ना, क्यूबाइड और क्यूब है। थिंक अबाउट द प्रिज्म एंड पिरामिड। व्हाट से प्रिज्म, PRISM प्रिज्म, अनदर इज पिरामिड। पिरामिड जानते हो ना आप,
व्हाट आर पिरामिड्स? पिरामिड्स का काम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पिरामिड्स का अभी जो पिरामिड्स एग्जिस्टेंस में है उसका काम क्या है? व्हाट आर द पिरामिड्स? व्हाट आर पिरामिड्स फेमस फॉर? पिरामिड किसके लिए फेमस है? किसके लिए पिरामिड्स फेमस है रे? ममीज, ममीज आर केप्ट इन पिरामिड्स। नाउ लेट अस सी प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म में क्या होता है कि ये सपोज ये दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल को एक ये ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल को ज्वाइन किया गया है तो जो बनता है दैट इज प्रिज्म, दैट इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। व्हाट इज कॉल्ड? इट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म मीन्स बेस इज ट्रायंगुलर। इफ बेस इज क्वाड्रिलेटरल देन क्यूब इज फॉर्म। द क्यूब इज अनदर प्रिज्म। क्यूब भी क्या है? क्यूब भी प्रिज्म है। क्यूब में क्या किया जाता है? एक ऊपर का सरफेस और ये नीचे का सरफेस को ज्वाइन किया जाता है तो जो बनता है दैट इज व्हाट से क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड ये दोनों दूसरा प्रिज्म है। क्यूब और क्यूबॉइड में बेस कौन सा है? बेस है क्वाड्रिलेटरल। अनदर इज पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म में क्या होता है? दो पेंटागोन को ज्वाइन किया जाता है। सपोज दिस अनदर दिस पेंटागोन, ये दूसरा पेंटागोन है, ये दोनों पेंटागोन को ज्वाइन किया जाए तो जो शेप बनता है दैट इज कॉल्ड पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म। सो प्रिज्म आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। दिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है? टू कॉन्ग्रुएंट फेसेस पैरेलल टू इच अदर एंड लैटरल फेसेस आर रेक्टेंगल। ये पेंटागोन में ये पॉलीगोनल फेसेस है, पॉलीगोन ये ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये पेंटागोन है। पिरामिड में ऐसे नहीं होता है। पिरामिड में दो फेसेस पैरेलल नहीं होते। पिरामिड में क्या होता है? एक बेस होता है। बेस हो सकता है ट्रायंगल हो, बेस हो सकता है क्वाड्रिलेटरल हो, बेस हो सकता है पेंटागोन हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसे पैरेलल नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है? ऊपर में जाके सब जाके मिलते हैं। सो दिस इज व्हाट से ट्रायंगुलर पिरामिड। इट इज ट्रायंगुलर पिरामिड। पिरामिड दिस इज अनदर, दिस अनदर इज पिरामिड हैविंग बेस क्वाड्रिलेटरल। दिस पिरामिड इट इज पेंटागोनल पिरामिड। हेक्सागोन से बनाया जाए तो हेक्सागोनल पिरामिड। तो